बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे शुरू हुए हैं माता रानी के, सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मुख्य रूप से आप सबसे जो बातचीत करने का विषय है कि आने वाले 14 अप्रैल को झज्जर में जन आक्रोश रैली है, क्योंकि 14 तारीख को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है, तो उस दिन हम लोग जन आक्रोश रैली, संविधान बचाओ रैली का आयोजन यहाँ पर करने का काम करेंगे। और 14 तारीख को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी उसमें रहेंगे, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी उसमें रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण इस रैली में रहेंगे। सभी को इसका न्योता देने के लिए हम गांव-गांव में सब जगह जा रहे हैं। मैं समझती हूँ जिस प्रकार से आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे पहले हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किए, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का हमने कार्यक्रम चलाया, या भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है हमने उसमें यात्राएं निकालने का काम किया, उसी कड़ी के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो जन आक्रोश रैली के साथ साथ हम लोग संविधान बचाओ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से मैं समझती हूँ आज के समय में प्रदेश में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं, ज्यादातर बीजेपी और जेजेपी का कोएलिशन अलायंस हुआ था। पहले बीजेपी ने जेजेपी के खिलाफ और जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट पाने का काम किया था, राजनीतिक लाभ के लिए केवल दोनों ने इलेक्शन के बाद एक गठबंधन करके सरकार चलाने का काम किया, और उस समय भी ये तय हुआ था कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाने का काम करेंगे, जिस पर ना बीजेपी ने और ना ही जेजेपी ने किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया। और मैं समझती हूँ पूरी तरह से इनका गठबंधन जो है पूरी तरह से फेल साबित हुआ। ये इस बात का सूचक है कि इनके जो खुद के मंत्री थे उनमें भी बड़ी रिजल्ट है, वो भी पूरी तरह से नाराज है, और इससे बड़ा सबको क्या मिलेगा कि जेजेपी के अध्यक्ष जो है सब ये लोग 15-20 दिन भी सरकार से अलग नहीं रह पाए, और इनके जेजेपी के लोग जो है वो पार्टियां छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ना केवल जेजेपी के, बल्कि बीजेपी के लोगों में भी इस बात का बड़ा गुस्सा है कि जो बीजेपी का ओरिजिनल कैडर है उनको टिकट देने की बजाय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से जो आए हैं जिनको प्राथमिक सदस्यता रखने से राहत दिलवाई जाती है, सुबह उनकी टिकट डिक्लेयर कर देती है, और कईयों के तो हालात ये है कि प्राथमिक सदस्यता दिलवाई जाती है, ऑफिशियली प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्राथमिक सदस्यता दिलवाई भी नहीं गई और उनको लोकसभा का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। इस समय चाहे बीजेपी देखिए आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, और जो भी कारण रहे हो वो कांग्रेस पार्टी से चले गए, लेकिन वो बीजेपी की जो शायद उसमें उनके सांसद उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे होंगे, और उन्होंने अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी वाइफ जो हमारे साथ प्रेमलता जी विधायक रही है, उनके पार्टी के वापसी कर रहे हैं, उनके सांसद बेटे विजेंद्र सिंह भी पार्टी में आ चुके हैं, और हम समझते हैं कि इससे पार्टी में आने से बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, और उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। नेताओं का विरोध और है लोकसभा में कोई भी वोट अगर मांगे जाते हैं या चुनाव में जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या आपने चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र जारी किया या घोषणा पत्र के अलावा सरकार के द्वारा, सबसे पहला हिसाब किताब जनता ये मांगती है कि आपने अपने इस टेन्योर में जो घोषणा पत्र जारी किया क्या आपने उन घोषणाओं के अनुरूप कार्य करने का काम किया है। आज के समय में उनको सिर्फ ये लग रहा है कि फूल का निशान, जब भी उनसे पूछा जाता है ये कहा जाता है कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं केवल फूल का निशान है, केवल फूल कार्य नहीं कर सकता, जो पार्टी का प्रत्याशी है, जो सांसद है, जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री है उनको अपनी परफॉर्मेंस गिनानी पड़ेगी। आज के समय में जो भी व्यक्ति, जो भी सांसद या जो प्रत्याशी
मैदान में जा रहे हैं उनको, लोगों को ये बताना पड़ेगा क्या किसानों के लिए जो वायदे किए गए थे, तीन काले कृषि कानून देश के प्रधानमंत्री जी ने क्षमा याचना करते हुए राजनीतिक लाभ के लिए जो वापस एकदम से किए थे, उसके बाद भी किसान संगठन, जब हमारे 700 किसान शहीद हुए, इस बार फिर से किसान संगठनों ने जब आंदोलन किया तो उनको दिल्ली भी जाने नहीं दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि चाहे हमारा आज किसान है वो पूरी तरह से दुखी है, बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात केंद्र में जो सरकार बनी उनके मैनिफेस्टो में शामिल थी। आज के समय में हालात ये हैं, युवाओं को पक्की नौकरी देने की बजाय कच्ची नौकरी दे रहे हैं। ये देश में पहला ये टर्म है जिसमें हमारे देश के और विशेष तौर से मैं अगर हरियाणा की भी बात करूं, हमारे युवा गाँव के गाँव शहर के शहर खाली हो गए, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। युवा चाहे लीगल तरीके से चाहे डंकी के माध्यम से इस समय जो है प्रदेश और देश को नौकरी के लिए, न केवल पक्की नौकरी कच्ची नौकरी के लिए वहां से जा रहे हैं। जिस प्रकार से अनसेफ हरियाणा असुरक्षित श्रेणी में आज के समय एक राज्य आ चुका है, हमारा बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा युवा जो कि इस लायक है उनको रोजगार देने की बजाय सरकार जो है उनको सक्षम या हरियाणा कौशल विकास कर रही है, जबकि हरियाणा के मैनिफेस्टो में ये वायदा किया गया था कि 2 लाख नौकरियां हम लोग इस साल के बहन बेटियों के साथ जो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। हमारा प्रदेश जय जवान जय किसान जय पहलवान और जय संविधान को मानने वाला प्रदेश है, जिसमें जवानों को अपने वीर की मृत्यु के माध्यम से अपने पथ की मृत्यु की जा रही है, उसमें अग्नि वीर जो भर्ती किए जा रहे हैं, केवल सेना की भर्ती को भी जो ठेके पे दे दिया गया है उसमें भी यही मांग है कि सेना की भर्ती तो कम से कम रेगुलर होनी चाहिए थी। यहाँ तक कोई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अनस्किल्ड वाले लोग हैं उनको भी खड़ी चाहे वो मनरेगा वाले हम नहीं मिल रही है। आज के समय में हर वर्ग हमारा चाहे वो दलित वर्ग है एट्रोसिटीज दलितों पर बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो मैं समझती हूँ यही तमाम कारण है कि जो है आज के समय में जो भी प्रत्याशी जा रहे हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने जो वायदा किया है और सरकार को भी बताना चाहिए, केवल और केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देने से, केवल केवल डिप्टी चीफ गेस्ट को हटा देने से, मंत्रिमंडल बदल देने से बात नहीं बनेगी, आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बतानी पड़ेगी। यही कारण है कि हम लोग जन आक्रोश रैली हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसका नाम दिया है। यही कारण है कि आदरणीय चौधरी जी के राज में जो कार्य हुए उसमें लोगों को ये नजर आ रहा है वो पूरी तरह से बीजेपी से इस समय छुटकारा पाना चाहते हैं। जन आक्रोश रैली का स्थान कहाँ खड़ा है? देखिए जन आक्रोश रैली का स्थान जो है हमारा सवेरा स्कूल है जजर में, उसका जो ग्राउंड है पार्टी ने मुझे मेरी औकात बता दी और बहुत सारे मंत्री ऐसे कह रहे हैं वो तो बोल भी नहीं सकते हैं। इस समय जो है जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कल में बहुत सारे हालात भारतीय जनता पार्टी को लेकर हुए हैं उस पर उनको विचार करना चाहिए। अब मैं उनसे कहूंगी कि पहले तो बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई भी कार्य नहीं हुए, और आज के समय में भी वो परफॉर्मेंस बताएं कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व आ रही है। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे जो है किसी की एक भी मेडिकल कॉलेज को नहीं गिनवा सकते कि उन्होंने कोई भी वो मेडिकल कॉलेज जो है वो खुलने का काम किया हो, कोई भी ऐसे नई यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हो, कोई सड़कें हमारी, हम लोग बद से बदतर हालत आज हमारी सड़कों की हो गई है, या जो हमारे किसान संगठन है उनके साथ जो क्या हालात हुए हैं। नायब सैनिंग जी अच्छा होगा कि वो अपने सरकार के बारे में बताएं कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ क्या कारण था कि एकाएक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बदलना पड़ा, क्या कारण है कि एकाएक जेजेपी से अपना जो है उनको नाता तोड़ना पड़ा, क्या कारण है कि आज के समय में उनके जो युवा संगठन है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है कि कर्मचारी हमारे
ओपीएस की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है। क्या कारण है कि आज के समय में चुनी हुई हमारी पंचायती राज में सरपंचों को बिना किसी ग्रांट के उनको चोर साबित किया जाता है। सभी के ऊपर मैं समझती हूँ जो जिस प्रकार का आज के समय में कार्य हो रहा है, पूरा हरियाणा में इस बात की चर्चा है कि इन्होंने, अच्छा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अपनी पार्टी पर ध्यान देते हुए, थोड़ा सा समय बचा है, अभी तो लोकसभा के चुनाव होंगे, 4 तारीख को गिनती होगी, उसके बाद दोबारा से विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज जाएगा, केवल और केवल 2 महीने उनके पास परफॉर्मेंस के बचे हैं। अच्छा होगा मुख्यमंत्री जी इस तरह से पंच कसने की बजाय परफॉर्मेंस बेस्ड रहेगा। मैं विरोध हुआ है और भी कई स्थान पर विरोध हुआ है, लेकिन इससे अलग हटकर के कृष्णमूर्ति हुड्डा ने ये आज की स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से विरोध कराया जा रहा है। फॉर द पीपल होती है, लोगों के लिए सरकार होती है। तो हमारे माननीय है, आदरणीय अरविंद शर्मा जी हमारे यहाँ से सांसद हैं, हम भी उनसे कई बार पूछ चुके हैं, उनको श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि लोकसभा के लिए विशेष तौर से झज्जर के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। हमारे झज्जर शहर की सड़कें लगातार 3-4 साल हो गया खुदी हुई पड़ी है, पीने पानी की समस्या इतनी ज्यादा आ रही है, यहाँ पर लगातार हमारे सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे युवा साथी कर रहे हैं, पटवारी हमारे लगातार यहाँ पर बैठे रहे, हमारे क्लर्क जो है लगातार बैठे रहे। तो भाई लोकसभा में उन्होंने किस मुद्दे को लेकर जो है आवाज उठाने का काम किया है, पहले वो अपनी बात कहें। और मैं समझती हूँ इस तरह का विरोध प्रदर्शन, पहले उनको उनकी बात सुनी जानी चाहिए और साथ ही साथ में उनको भी अपनी जो उनकी उनके जो कार्य हैं, मैंने तो उनके नेताओं को भी कहते हुए सुना है कि ये चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस होना चाहिए, ना कि अरविंद शर्मा वर्सेस योगेंद्र हुड्डा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जब वो यहाँ से चुने हुए सांसद हैं तो वो बताएं क्या जो एम्स में हमारी योजनाएं आनी थी उसको कितना बढ़ाने का काम किया, मेट्रो को वो लोग यहाँ पर कहाँ पर लेकर आए, हमारे झज्जर शहर में जो बीजेपी के नेता जो कब्जा कर रहे थे उस चीज पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया, हमारे जो पार्क है उनकी गति से बदतर हालत हो चुकी है, इससे भी कितनी ज्यादा समस्याएं हैं। आरती लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मेरा केवल ये कहना है चुनाव का समय है, आपस में आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहते हैं, लेकिन हमको साफ सुथरी राजनीति करते हुए राजनीतिक मुद्दों पर और घोषणा पत्र में जो जो वायदे किए गए हैं उन पर पूरी तरह से चर्चा करके लोगों से जो है 5 साल में जो ग्रांट मिली थी उसका सदुपयोग नहीं कर पाए सांसद, लेकिन उन्होंने कहा कि आंकड़ों का खेल बाजीगिरी कर करके उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। देखिए अच्छा होगा वो अपनी छवि को सुधारने के लिए छवि में आज के समय में हमें तो यही याद है कि लोग याद कर रहे हैं कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस राज में जब मैं यहाँ से विधायक और मंत्री थी हमने जो काम करवाए, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जब लोकसभा में थे केंद्र की और राज्य की हम बहुत सारी योजनाएं लेकर आई उनको, चाहे हमारा वो रेलवे लाइन को आगे बढ़ाए जाने की बात थी, चाहे हमारे चाहे जो जेवर में हमारा एयरपोर्ट चला गया जिससे कि हमारे रोजगार यहाँ पर आते, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अच्छा होगा कि वो ये बताएं कि अपना एक पर्चा जारी कर दें, जहाँ भी जाएं वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि हमने क्या क्या काम किया। हमें तो ये मालूम है कि किसान संगठन हमारा धरना प्रदर्शन करते रहे, बीजेपी के नेताओं ने ऊपर कीलें उगाने का काम किया, उनके बॉर्डर्स पर ऐसी ऐसी कीलें लगा दी, ऐसे ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए जो कि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर होने चाहिए थे। चाहे हमारे अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर हमारे अहीरवाल के लोगों में धरना प्रदर्शन चलता रहा, और आज तो हम केवल ये चाहते हैं जो भी कैंडिडेट हैं वो अपनी परफॉर्मेंस बताएं और सरकार उसमें क्या करेगी। केवल और केवल धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जाट नॉन जाट इस तरह की बात नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि युवाओं के लिए आपने क्या किया, उनको बताना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में इतने सारे स्कूल बंद हो गए तो उसके लिए उन्होंने क्या आवाज उठाई, उनको बताना होगा कि क्यों रेगुलर भर्तियां नहीं हुई, हमारे आज के हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें रेगुलर टीए जो जितने डॉक्टर्स थे वो नौकरी छोड़कर चले गए उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किया है। तो लोग जो है वो प्रश्न तो पूछेंगे ही, और मैं समझती हूँ आने वाले समय में जो बीजेपी एक 400 पार का नारा दे रही है क्या कारण है वो इतने कॉन्फिडेंट है, जबकि उनके पास 400 प्रत्याशी भी पूरे हिंदुस्तान में 400 प्रत्याशी भी बीजेपी को अपने देने के लिए नहीं मिले, क्या कारण है कि ज्यादातर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को बदलने का काम किया, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से बिल्कुल आचार संहिता से लगने से एक हफ्ता पहले पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और चेहरा बदलने का काम किया, जिन चेहरों ने काम किया था उनको अगर सामने और ज्यादा रखते
तो इससे भी ज्यादा दुर्गति बीजेपी की होने वाली थी। मैडम 14 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसमें अन्य पार्टी से जुड़े लोग भी ज्वाइन